ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सैलेड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC पेज लॉक आउट को लेकर। कई बार क्या होता है, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से, तो ज़्यादातर मैं जो देखा हूँ हमारा IRCTC पेज जो है लॉक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं या फिर तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन आ जाता है। इसकी वजह से भी हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला जिससे आप अप्लाई करते हैं लॉग आउट की प्रॉब्लम जो है काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। 100% तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे यदि अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी कम चांसेस है कि आपका IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट कम हो। और लास्ट में आप लोगों को पेमेंट मेथड के बारे में ही बात करेंगे, आप लोगों को बेस्ट पेमेंट ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से तत्काल टिकट बुक कर सके। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसका पेज तो लॉग आउट नहीं होता या फिर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर नहीं आता है और फाइनल पेज तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पेमेंट मेथड वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से भी वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग टाइम आप लोग एक भी मिस्टेक करेंगे तो तत्काल टिकट आप कन्फर्म बुक नहीं कर सकेंगे। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले IRCTC पेज लॉकआउट को लेकर। जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं IRCTC वेबसाइट हो या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो हमारा पेज जो है लॉग आउट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक मिनट पहले लॉगिन करना है, AC टाइम हो या फिर स्लीपर का टाइम हो। कुछ लोग यहाँ पे 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में लॉगिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से टाइम आउट का एरर आता है या फिर डायरेक्ट जब हम पेमेंट पेज पहुँचते हैं या फिर पैसेंजर डिटेल सबमिट करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं तो हमारा पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट लॉगिन भी नहीं होता है। इसके बाद कुछ टाइम बाद लॉगिन भी होता है तो हमारा सीट जो है ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को सबसे पहले एक मिनट पहले लॉगिन करना है। आप लोग IRCTC ऐप से लॉगिन करते हैं, आप लोगों को 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। यदि अपडेट नहीं करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट इन्फो पर जाना है और इसके बाद वहाँ से क्लियर कैच कर लेना है। इसके बाद अगर आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करने की कोशिश करना है, यदि आप IRCTC वेबसाइट यूज करते हैं तो आप लोगों को टिकट बुक करने से 10 से 15 मिनट पहले हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है। कई बार मैंने देखा हूँ कि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं या फिर काफ़ी बार आपने IRCTC पेज लॉगिन कर किए होते हैं और उसी क्रोम को ओपन करने के बाद हिस्ट्री डिलीट नहीं किए होते और IRCTC लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को लॉग आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग हिस्ट्री डिलीट करके लॉगिन करना है। यदि इस तरह से आप लॉगिन करते हैं आपको 90% चांसेस है कि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ना हो। और सेकेंड नंबर, जब हम टिकट बुक करते हैं अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है, तो ये एक सर्वर की इशू होता है, यानी कि IRCTC के सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है तो सर्वर जो है डाउन हो जाता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता रहता है। आप लोगों को सिंपल कुछ करना नहीं है, जैसे इस तरह के प्रॉब्लम आता है 10 सेकेंड 15 12 सेकेंड 15 या 15 सेकेंड बाद पे आप लोगों को रिफ्रेश पेज पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को टिकट बुक कर सकते हैं, यानी 5 मिनट 7 मिनट 10 10 मिनट तक भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको रिट्राई करते रहना है। जैसे सर्वर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं पेमेंट मेथड को लेकर। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तत्काल टिकट बुक करते हैं नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोसेस में ना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सजेशन दूंगा, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए फोन पे यूज करने के लिए या फिर पेटीएम यूज करने के लिए। यदि फोन पे पेटीएम यूज करते हैं तो इजीली तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना, जब आप टिकट बुक करेंगे तो कोशिश करना एक मोबाइल फ़ोन में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन रहे और एक फ़ोन में फ़ोन पे ओपन रहे। जैसे वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है फोन पे लोग पिन डालकर सबमिट कर सकते हैं। यदि आप आज के वीडियो बस इतना है, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो पे।